हाय एवरीवन, वेलकम टू हम्पी रेसिपीज। आज हम बनाएंगे कर्नाटका का स्पेशल डिश मद्दूर वड़ा। मद्दूर वड़ा बनाने के लिए 1 कप मैदा, 3/4 कप सूजी, आधा कप चावल का आटा लेंगे। इन सारे चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करके डालेंगे। ऑयल अच्छे से गरम होना चाहिए। गरम ऑयल डालने से ही मद्दूर वड़ा बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनते हैं। अब एक विस्क या स्पून की सहायता से हम इसे मिलाएंगे। सिर्फ डायरेक्ट हाथ से मत मिलाइएगा क्योंकि तेल गरम है। थोड़ा ठंडा होने के बाद पूरा तेल को आटे में मसल मसल कर मिलाएंगे। आप तेल के बदले में वनस्पति भी यूज कर सकते हो। अब इसमें 10 से 12 फाइनली कट किया हुआ करी पत्ता, फाइनली कट किया हुआ 2 ग्रीन चिल्ली, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़ा कप प्याज को बड़े बड़े काट कर डालेंगे। अब इन सारे चीजों को आटे में अच्छे से मिलाएंगे। ध्यान रखिएगा, आटे में प्याज बहुत ज्यादा पानी रिलीज करता है, तो आप इसको अच्छे से पहले मिलाइएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइट डो लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें पानी ज्यादा नहीं रहना चाहिए क्योंकि प्याज भी बहुत ज्यादा पानी छोड़ता है, तो अब आटा पतला हो सकता है। जब आटा लगाते समय आप दूसरी साइड पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। आटा लगाने के तुरंत बाद ही हमें वड़ा को बनाना है। आप वड़ा को कपड़ा या जिपलॉक या बटर पेपर के ऊपर भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने जिपलॉक यूज किया है। जिपलॉक के ऊपर थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस करेंगे, बाद में इसमें हम वड़ा बनाएंगे। वड़ा को बनाते समय ज्यादा पतला मत बनाइएगा क्योंकि ये तेल में टूट सकता है, इसीलिए आप इसे थोड़ा थिक ही रखिएगा। आपको ऑनियन उतना ज्यादा पसंद नहीं है तो आप ऑनियन का क्वांटिटी कम कर सकते हो, पर मद्दूर वड़ा में ऑनियन बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप इसी क्वांटिटी में डालकर बनाइएगा। अब इसे हल्के हाथ से जिपलॉक से उठाएंगे और मीडियम हॉट ऑयल में तलेंगे। ऑयल ज्यादा हॉट रहने से सडनली ये ब्राउन बन जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं, और हमारे जो ऑनियन है वो भी पूरे जल जाएंगे, इसीलिए आप इसे मीडियम हॉट ऑयल में ही तलिएगा। वड़ा को टर्न करते समय ध्यान से कीजिएगा, वड़ा बहुत इजीली टूट सकता है। जब वड़ा गोल्डन कलर हो जाएंगे आप इसे एक टिश्यू पेपर में निकाल लीजिएगा। अब हमारा हॉट एंड क्रिस्पी मद्दूर वड़ा रेडी है। इसे आप कोकोनट चटनी या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप इस रेसिपी को पहले कभी ट्राई किया है कि नहीं। नहीं किया है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।